और कंपटीशन। तो इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन का है। हम जब डिस्क्राइब करते हैं तो मोनोपोली को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और प्योर कंपटीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हम मोनोपोली में कहते हैं कि ओनली सिंगल सेलर होगा, ठीक है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसकी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। जबकि प्योर कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, मोनोपोली में कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मोनोपोलिस्ट ओवर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल होता है, एक ही सेलर एग्जिस्ट करता है। जबकि वहां पे प्योर कंपटीशन में बड़ी तादाद होती है बायर्स की एंड सेलर्स की, ठीक है, और किसी का कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। हर एक जो फर्म है वो मार्केट के अंदर प्ले कर रही होती है, बट किसी का कोई भी फर्म एक मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकती, उसमें कोई डिसिसिव डिसीजन नहीं कर सकती। पहला डिफरेंस डिस्क्रिप्शन का, आप ये कह लेंगे हम इसमें डेफिनेशन देते हैं, ठीक। दूसरा डिफरेंस बायर्स एंड सेलर्स का है, बायर्स एंड सेलर्स। जब हम यहां बायर्स और सेलर्स की बात करते हैं तो इसमें सिंगल सेलर होता है, ओनली वन सेलर, बट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तकरीबन जितने भी बायर्स होते हैं इंडस्ट्री में वो सारे एक ही सेलर पे रिलाई कर रहे होते हैं। सेलर अकेला होता है लेकिन बायर्स बड़ी तादाद में होते हैं, तमाम के तमाम जो बायर्स होते हैं वो इसी पे रिलाई कर रहे होते हैं, एक सेलर के ऊपर, वहीं से उन्होंने सर्विस लेनी होती है या वहीं से गुड लेनी होती है। जबकि प्योर कंपटीशन में बायर्स एंड सेलर्स आर लार्ज नंबर, दोनों ही बड़ी तादाद में होते हैं, बायर्स भी और सेलर्स भी, ठीक है। यहां पे सेलर एक है लेकिन बायर बहुत ज्यादा है। सप्लाई के डिफरेंस की अगर बात करें तो सप्लाई में इसमें वन सेलर सप्लाई को कंट्रोल करता है, सप्लाई कंट्रोल्ड बाय सिंगल सेलर। अब सिंगल सेलर अगर सप्लाई को कंट्रोल करेगा तो क्या नतीजा निकलेगा, वो जितनी सप्लाई चाहेगा उतनी मार्केट में देगा। सिंगल सेलर का कॉन्सेप्ट क्या बताता है, अगर एक ही सेलर सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो जितनी चाहेगा सप्लाई मार्केट में देगा और उसके जरिए जितनी वो प्राइस चाहेगा उसकी मुख्तस करेगा, जितनी प्राइस चाहेगा उतनी मुख्तस करेगा। सिर्फ सिंगल सेलर जो है वो सप्लाई को कंट्रोल करता है, लेकिन यहां पे सप्लाई कंट्रोल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, चूंकि हम ऊपर ये कह रहे कि यहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर एग्जिस्ट करते हैं प्योर कंपटीशन के अंदर, तो इसका मतलब है तमाम सेलर सप्लाई दे रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। कोई एक इंडिविजुअल इसकी सप्लाई को या प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमें आगे फर्दर क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, हमें यह कॉन्सेप्ट देते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो प्राइस को मुख्तस नहीं कर सकता, ठीक है, बल्कि जितने भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो भी बैठे हैं वो तमाम सप्लाई दे रहे हैं।
आगे फिर जाके मार्केट की फोर्स डिसाइड करती है कि सप्लाई कितनी है और फिर उसके बदले में डिमांड कितनी होगी, ठीक है। तो सप्लाई कंट्रोल्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन मोनोपोली में सिंगल सेलर। इसके बाद आगे डिमांड की बात। मोनोपोली में जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व मोनोपोलिस्ट का, वो स्टीपर होता है। स्टीपर मीन इन इलास्टिक। हमने प्रीवियसली इलास्टिसिटी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो यहां पे जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व होता है वो बिल्कुल स्टीपर होता है। लाइक दिस, इसको एयर कर्व भी हम कहते हैं, हम इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड है और यहां पे प्राइस है, तो ये इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक इन द सेंस, इन इलास्टिक का मतलब ये है कि प्राइस में बड़ी बड़ी तब्दीली से भी उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आती, क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है, सिंगल सेलर है ना। एक बंदा मार्केट में बैठा है ना जो चीज को सप्लाई कर रहा है, तो अब वो होता ही है कि उसकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब वो प्राइस को अपनी मर्जी से जितना भी बढ़ाएगा, कम करेगा ज्यादा करेगा, उसकी डिमांड के ऊपर, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसकी एग्जांपल यूं देख सकते हैं कि लेट सपोज यहां पे प्राइस है $10, अब क्वांटिटी डिमांड देख लें कुछ भी आ रही है, मतलब Q1 आ रही है, अब काफी सारा चेंज कर दें इसको प्राइस को, मतलब आपने $5 चेंज कर दिया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फर्क आया, उतना ही आया। देखिए आप Q1 और Q2 में कितना फर्क है, एक यूनिट का। डिमांड में सिर्फ कितना फर्क आया, एक यूनिट का, लेकिन प्राइस में कितना फर्क आ गया, पांच यूनिट का फर्क आया। इसे कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो मोनोपोली में जो डिमांड होती है, मोनोपोलिस्ट की जो डिमांड होती है, उसका डिमांड कर्व होता है वो इनइलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा प्राइस चेंज होने की वजह से भी उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, थोड़ी कम ज्यादा होती बदलती। लेकिन प्योर कंपटीशन में डिमांड कर परफेक्ट इलास्टिक होता है, ऐसे इसी को एआर कहते हैं, इसी को एमआर कहते हैं, और इसी को डिमांड कर कहते हैं, परफेक्ट इलास्टिक होती है। अब रीजन आप ये पूछ सकते हैं कि भाई क्यों परफेक्ट इलास्टिक होती है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सेलर्स, बहुत ज्यादा सेलर्स मार्केट में बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा बायर्स भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो डिमांड कर्व होता है इसका, प्योर कंपटीशन का, वो परफेक्ट इलास्टिक होता है, राइट। यानी प्राइस चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड कम ज्यादा होती रहती है, ठीक है। तो ये फर्क था इसका डिमांड का, बात क्लियर है। इसके बाद प्राइस की बात करें, प्राइस जो होती है कंपैरेटिवली मोनोपोली में हायर होती है। इसकी जो प्राइस है, मोनोपोलिस्ट की प्राइस जो होती है, क्या होती है, हायर होती है, ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम से भी ज्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसमें नॉर्मल प्राइस होती है, नॉर्मल प्राइस होती है, जो कि एमसी और एमआर के इक्वल होती है, ठीक है। यहां पे परफेक्ट कंपटीशन में या प्योर कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस नॉर्मल होती है, मतलब एमसी एमआर और क्रॉस प्राइस एक ही होते हैं। ये देखिए आप ऊपर कर देंगे, ठीक है, प्राइस एआर एमआर डिमांड कर एक ही है, परफेक्ट इलास्टिक है, इसलिए ये नॉर्मल प्राइस यहां पे चार्ज की जाती है। लेकिन मोनोपोलिस्ट में जो होता है इसकी इक्विलिब्रियम से भी ऊपर होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, तो इसकी जो प्राइस होती है कंपैरेटिवली ये क्या होती है, इक्विलिब्रियम से भी हायर होती है, ज्यादा होती है। आउटपुट की अगर बात करें तो यहां पे जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी आउटपुट को फिक्स रखता है और स्मॉल आउटपुट देता है, थोड़ी आउटपुट देता है, स्मॉल आउटपुट, ठीक है, फिक्स्ड बाय सेलर या मोनोपोलिस्ट कह ले आप, लेकिन यहां पे लार्ज आउटपुट होती है, आउटपुट किस चीज को हम कह रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन, जो वो चीज बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहा है उसे हम आउटपुट कह रहे हैं। तो यहां पे चूंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो फिर आउटपुट भी हर एक का कंट्रीब्यूशन अगर हम मिलाएं तो लार्ज आउटपुट बनती है।
जबकि हम मोनोपोलिस्ट की बात करें तो वो सिंगल सेलर होता है, उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है सप्लाई के ऊपर, तो वो कोई मतलब एक फिक्स कर लेता है, एक स्मॉल क्वांटिटी उसकी फिक्स कर लेता है ताकि उसकी प्राइस अच्छी चार्ज करे, ज्यादा चार्ज करे, ये आउटपुट का डिफरेंस होता है। उसके बाद एंट्री की बात करें, जो मोनोपोलिस्ट का बिजनेस है उसमें एंट्री बैंड होती है, बहुत ज्यादा सख्त बैरियर्स होते हैं उसके आगे, इसमें एंट्री क्या होती है, बैंड होती है, एंट्री इज बैंड, बैरियर्स होते हैं, कोई बहुत मुश्किल है इस मोनोपोलिस्ट बिजनेस के अंदर एंट्री करना, किसी और फर्म का आना, जो सिंगल फर्म मोनोपोली के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती वही एग्जिस्ट करती है, नई फर्म एंटर नहीं हो सकती, ठीक है, जबकि यहां पे फ्री एंट्री एग्जिट है प्योर कंपटीशन में, फ्री एंट्री और एग्जिट। अगर कोई बिजनेसमैन या फर्म ये चाहे कि वो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए इस बिजनेस को छोड़ दे तो एग्जिट कर सकती है, उसे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर वो ये चाहती है कोई फर्म कि वो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट स्ट्रक्चर में एंटर होना चाहती है, उस तरह के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती है, तो उसे कोई नहीं रोकेगा, कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती, ठीक है, फ्री एंट्री एग्जिट होती, कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई मुश्किलात उसके सामने नहीं होती, इजीली वो उस बिजनेस को ज्वाइन भी कर सकती है और उसे छोड़ के भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में अब सवाल ये पैदा होता है कि नई फर्म तो एंटर नहीं हो सकती, क्या मोनोपोलिस्ट अपना बिजनेस छोड़ सकता है? तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर एक मोनोपोलिस्ट है और वो इन द लॉन्ग रन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो क्यों छोड़ेगा अपने बिजनेस? उसके छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके एग्जिट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, एग्जिट की इसकी हम बात नहीं करते, एंट्री जो होती है वो बैंड होती है, ठीक है, कोई नई फर्म मोनोपोलिस्ट के बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकती। हमने ज्यादातर वासा की एग्जांपल ली है कि वो मोनोपोलिस्ट फर्म है लाहौर के अंदर सैनिटेशन के लिए, तो आप देखें वासा का काम कोई और कंपनी कर सकती है, नहीं कर सकती है, कोई और किसी कंपनी को आपने देखा हो कि वो ड्रेनेज का काम कर रही हो लाहौर में, लाहौर सिटी में, नहीं कर रही। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल ली थी पाकिस्तान रेलवे की मोनोपोली के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे जो है क्या ट्रेन किसी और कोई और कंपनी चलाती है? नहीं चलाती, ठीक है, मतलब एंट्री बैंड है, राइट, लेकिन ये मोनोपोलिस्ट फर्म्स आप देख रहे हैं ये बिजनेस को ये छोड़ भी नहीं रहे, ठीक है, वैसे तो पाकिस्तान रेलवे गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपोली भी है, राइट, तो इस हवाले से भी एंट्री बैंड है। इसके अलावा भी अगर गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपोली ना भी हो, इसके अलावा भी कोई लाइसेंस के इश्यूज होते हैं, कोई पेटेंट के इश्यूज होते हैं, ठीक है, इसी तरह कोई टेक्निक के इश्यूज होते हैं कि किसी को कोई खास टेक्निक हासिल होती है कोई चीज बनाने में, वगैरह वगैरह काफी सारे बैरियर्स होते हैं, राइट, तो इसलिए एंट्री बैंड होती है। लास्ट का जो डिफरेंस है एप्लीकेशन का, तो देखो जितने भी मार्केट स्ट्रक्चर्स है ना, मोनोपोली की हम स्पेसिफिकली बात करें, मोनोपोली को हम एज अ मॉडल डिस्कस जरूर करते हैं और हार्डली इसकी जितनी भी शरायत है हार्डली मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है, मोनोपोली के अंदर हार्डली एग्जिस्ट करती है। हाँ, प्योर मोनोपोली तो आपको बहुत कम नजर आती है, बट जितने इसके अलावा मोनोपोली के अलावा मोनोपोलिस्टिक पावर्स हैं फर्म्स के पास, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम वापडा की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वापडा जो है हालांकि ये मोनोपोलिस्ट फर्म नहीं है बट उसके पास मोनोपोलिस्टिक पावर है। देखें वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करती है कि कमर्शियल कंज्यूमर को महंगा यूनिट बेचती है और जो हाउस होल्ड कंज्यूमर है उनको सस्ता यूनिट बेचती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करती है, अपनी मर्जी की सप्लाई भी देती है वापडा, जब चाहे वो लोड शेडिंग करके बैठ जाती है और जब चाहे वो मतलब कोर्ट के थ्रू या जैसे भी वो अपनी यूनिट की प्राइसेस को भी कम ज्यादा करती है, काफी हद तक मोनोपोलिस्टिक पावर उसके पास है, ठीक है, तो मोनोपोली की तमाम शरायत पूरी होना तो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, बट दूसरी फर्म्स के पास भी मोनोपोलिस्टिक पावर्स होती हैं, ठीक है, एक तो ये होगी एप्लीकेशन, दूसरा प्योर कंपटीशन की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्वाइट अनरियल है, मतलब ये हकीकत में मैंने प्रीवियस लेक्चर में शायद आपको बताया परफेक्ट या प्योर कंपटीशन के बारे में कि उसकी मिसालें भी दी हो, मैंने ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की भी बात की होगी, बट बात ये कि वो उसके अंदर भी कई आप लोगों ने मुझे बताया था कि सर ये वाली एजम्पशंस तो इसमें वायलेट कर रही हैं,
तो देखें रियल लाइफ में उसके सारे फीचर्स कंप्लीट नहीं होते प्योर कंपटीशन के और परफेक्ट कंपटीशन, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली क्वाइट अनरियल है कि हकीकत में ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता जितने फीचर्स हम डिस्कस करते हैं ना प्योर या परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बात क्लियर होगी डिफरेंसेस की? क्लियर है? इट्स ओके।